अयोध्या राम मंदिर का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने तो सुलझा दिया, लेकिन कोर्ट के बाहर अभी भी विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम लला को जमीन दे दिया और 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण शुरू करने का आदेश सरकार को दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने निराशा जाहिर की, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे। लेकिन बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी रिव्यू पिटीशन डालने के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर चर्चा के लिए मुस्लिम पक्षकारों ने लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई है। बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने सभी मुस्लिम पक्षकारों को लखनऊ में बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि हम लोग पहले ही कह चुके थे कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे और फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दिया वो देश हित में है। इकबाल अंसारी ने आगे यह भी कहा कि मंदिर मस्जिद बहुत हो गया, अब देश में शांति कायम रखने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बैठक में मैं हिस्सा नहीं लूंगा, अब शांति से जिंदगी जीऊंगा। दरअसल इकबाल अंसारी चाहते हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके तहत उन्हें 5 एकड़ जमीन मिल जाए जिसमें वो एक मस्जिद का निर्माण शुरू कर सके। वहीं दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में बयान देकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।